नमोस्तु गुरुदेव। मुख से निकलने वाले अमर्यादित और कषाय रंजित शब्द धार्मिक उन्नति में कितने बाधक हो सकते हैं? ये शब्द सोच समझकर बोलो, क्योंकि हमारे मुख से निकलने वाला शब्द तीन लोकों की यात्रा करता है। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, हम अपने मुख से जो शब्द बोलते हैं ना, दो समय में 14 राज्य पार कर लेते हैं। ये शब्द की गति है परमाणु से दुगनी, दुगना समय लगता है परमाणु एक समय में और शब्द को दो समय लगता है। तो हमारे मुख से निकलने वाला शब्द दिगंत तक जाता है और शब्द में वाइब्रेशंस तो होते हैं, और यदि वो अमर्यादित होंगे तो निश्चित किसी न किसी को आघात पहुंचाएंगे। चूंकि बोलना हमारी मजबूरी है, भाषा हमारी अभिव्यक्ति का साधन है और संवाद से ही हम अपनी बातों को आगे बढ़ा पाते हैं, इसलिए बोलने में बुराई नहीं है, पर हमारे यहाँ अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए वांग गुप्ति कहा, वाक गुप्ति, वचन को जितना कम प्रयोग में लें और नाप तौल कर बोलें। जो भी व्यक्ति वाणी संयम से शून्य होते हैं उनकी स्थिति भयानक होती है, वो परोक्ष हिंसा क्या प्रत्यक्ष हिंसा भी कह देते हैं, क्योंकि हम किसी को कोई ऐसा शब्द कह दें जिससे वो मर्माहत हो तो ये तो हिंसा ही है। जिसके प्राणों को आघात पहुँचे वो हिंसा है, तो ऐसे शब्दों के प्रयोग से हमें सतत बचने का प्रयत्न करना चाहिए, बचना चाहिए। और जो दूसरा साधक की बात है, अगर हम वचनों की जितनी गुप्ति रखेंगे और संयत शब्दों में कहेंगे, हम उतने अच्छे साधक के रूप में जाने जा सकेंगे और अपनी साधना को फलीभूत कर सकेंगे।